कांग्रेस ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल के इस्तेमाल को बीजेपी आरएसएस की कोरी गप बताया है। उसके मुताबिक इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि इसमें क्या हैरत है कि नई संसद का अनुष्ठान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टिपिकल झूठी कहानियों से किया जा रहा है। बीजेपी आरएसएस के उपहासकारों की पोल एक बार फिर अधिकतम दावे न्यूनतम सबूत के साथ खुल गई है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर राजदंड का उल्लेख माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू द्वारा किसी लिखित दस्तावेज में नहीं मिलता। इस तरह के सारे दावे सीधे शब्दों में बस बोगस हैं। पूरी तरह व्हाट्सएप में डूबे रहने वालों और अब मीडिया में ढोल बजाने वालों के दिमाग में गड़े गए हैं। अटूट विश्वसनीयता रखने वाले राजाजी के दो विद्वानों ने इस पर हैरत जताई। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि भारतीय परंपराओं और संस्कृति से कांग्रेस नफरत क्यों करती है। भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र मठ ने पंडित नेहरू को एक पवित्र सिंगोल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी के रूप में एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। अब कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ थिरुवदुथुराई अधीनम ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बात की थी। अधीनम के इतिहास को कांग्रेस झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है।